हे गाइस, वेलकम टू फिजिक एडिटर। मैं राकेश फिटनेस कोच। आज बात करते हैं कि स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है आपके मसल गेन के लिए। वेल, मसल गेन हो या फैट लॉस, टारगेट आपका कोई भी हो, बट क्या होगा बॉडी में अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल रहा है तो क्या क्या नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। आज एक कम्प्लीट नींद ना होने की वजह से बॉडी में क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं राकेश फिटनेस कोच और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या नेगेटिव सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर यानी आपको अगर कंप्लीट नींद नहीं मिल रहा है तो आपके गेनिंग पे ये कितना हेल्प करेगा, और यहाँ पे जो फैट लॉस करना चाहते हैं अगर उनको भी नींद कम्प्लीट नहीं मिल रहा है तो उनको भी क्या क्या नेगेटिव सिम्टम्स देखने मिलेंगे। हो सकता है कि आप रोज जिम जाते हो, एक अच्छा वर्कआउट करते हो, साथ में एक अच्छी डाइट लेते हो, साथ में आप एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट भी लेते हो, बट फिर भी आपको आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, देन ध्यान दे अपने स्लीप क्वालिटी पे। स्लीप क्वालिटी सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जब हम रात को सोते समय हमारे आंखों के सामने कोई रोशनी होता है, यानी कि सोते वक्त अगर हमारे आंखों के सामने कोई रोशनी है तो वो रोशनी हमें तुरंत नींद नहीं देता है, हमें नींद आने में प्रॉब्लम होता है। करता क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मेलेटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आता है। आंखों के सामने रोशनी होने से वो हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली चालू रखता है और स्लीप को दूर रखता है, मेलेटोनिन हार्मोन को वो एक्टिव ही नहीं होने देता। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, ये मोबाइल फोन ने तो हर एक लोगों का स्लीप डिस्टर्ब कर रखा हुआ है। डजंट मैटर आप रात को सोने के पहले क्या देखते हो, गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो या फिर यूट्यूब में फनी वीडियो देखते हो, बट कोई ना कोई रीजन से आपके पास रात को सोने के पहले फोन होता ही है जिसमें आप इंजॉय कर रहे होते हो, और इंजॉय करते करते आपको खुद को ध्यान में नहीं लगता है कि यार मेरे सोने का टाइम ही निकल चुका है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज की तारीख में आपको एक क्वालिटी स्लीप बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वर्क का बहुत स्ट्रेस होता है, ऑफिस ओवर टाइम्स होते हैं जिसकी वजह से उनका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता। फिटनेस के जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, रेस्ट, रिकवरी और न्यूट्रिशन, उसमें से जो पहला पॉइंट है रेस्ट, वहाँ पे आपको बिल्कुल से ध्यान देना है ताकि आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिले जिम में, और वो रिजल्ट आप अपने साथ हर जगह कैरी कर सकते हो प्राउड के साथ में। स्लीप एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों से लेकर के कई तरह के एनिमल्स तक, सारे लोगों को स्लीप की ज़रूरत है। अगर सबको स्लीप प्रॉपरली नहीं मिला तो क्या होगा गाइस, आपके परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिला तो हो सकता है कि जो आपका कैपेसिटी है उसका 50% भी आप वर्कआउट नहीं कर पाओ, और हो सकता है कि आप वर्कआउट कर भी लो तो भी उतने एनर्जी के साथ नहीं कर पाओगे, जल्दी थक भी जाओगे। हो सकता है आपके ट्रेनर ने आपको 3 से 4 सेट मारने के लिए रिकमेंड किया हो, वहीं पे आप 1 या 2 ही सेट में थक गए। अगर ऐसा आपके साथ होता है, इसका सिंपली एक ही मतलब है कि आपको रेस्ट प्रॉपरली मिला ही नहीं है। अगर आपको एक अच्छा नींद ना मिले तो हो सकता है, सिर्फ जिम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिम के बाहर भी जो आपका लाइफ है वहाँ पे भी आपका जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, जो अलर्टनेस है, वो भी ड्रॉप डाउन हो जाता है। अगर आपका मेंटल कॉन्सेंट्रेशन और फोकस कम हो जाता है तो जिम में भी आप पॉसिबल चांसेस बन जाता है कि मिस्टेक करो, और अगर आप पॉसिबली मिस्टेक करोगे, लाइक फॉर्म आपका इनकरेक्ट हुआ, तो वहाँ पे आप खुद को इंजर्ड कर सकते हो, क्योंकि स्लीप अगर आपको अच्छे से नहीं मिला है तो आप अपनी मैक्स कैपेसिटी पर वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे। नींद पूरा ना होने की वजह से आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है ये उसको भी प्रॉपरली मेटाबोलाइज होने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ क्राउड है वो ग्लूकोनियोजेनिक डाइट पे होता है। इसके लिए जब आपका बॉडी ग्लूकोनियोजेनिक डाइट पे है उस टाइम पे आपको स्लीप प्रॉपर नहीं मिला तो आपका बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो आपका एनर्जी है वो क्रैश होता रहता है और आपके हार्मोन लेवल्स को भी इम्बैलेंस करता है। और अगर बॉडी में हमारे हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ तो ट्रस्ट मी गाइज, ये सिर्फ जिम में ही नहीं, आपके लाइफ के अदर सारे एक्टिविटीज में भी आपको इंटरप्ट करेगा। और साथ ही में आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब हम रात को सोते हैं तो उस समय में हमारा जो एनाबॉलिक हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और IGF-1। ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे मसल गेन पे काम करता है, हेल्प करता है, जो कि हमारे प्योर मसल गेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारा नींद प्रॉपर नहीं हुआ, अगर हमें नींद प्रॉपर नहीं मिला तो ये सारे हार्मोन्स जो है बॉडी में से प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते, प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है कि हमारे जो मसल ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होते, हमारे जो मसल टिश्यू का रिकवरी है वो प्रॉपरली नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब होता है जब नींद प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे कैटाबॉलिक हार्मोन ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। ये बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। एक मेंटल स्ट्रेस का होना, यानी कि एक मानसिक तनाव का होना, एक
डिप्रेशन का फीलिंग होना या फिर एक चिड़चिड़ापन का होना, ये सब एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से होता है। हे एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि आपके रात का जो नींद है वो सुपीरियर है दिन के कंपेयर में। जो दिन का नींद है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और स्पेशली अगर बात करें हम कॉर्टिसोल लेवल को नीचे ले आने की, तो जो दिन का नींद है, जो दोपहर का या शाम का नींद होता है, वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है कंपैरेटिवली रात के नींद में। इस चीज़ को अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो रात का नींद जो होता है सिंपली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिन के नींद के कंपेयर में। अब जो लोग यहाँ पे वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनको क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा? गाइस अगर आपके बॉडी में कंप्लीट स्लीप नहीं रहा तो आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो ऊपर आ जाएगा। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें घड़ी घड़ी ट्रिगर करता है भूख लगने का, यानी कि हमें घड़ी घड़ी भूख लगेगा। और साथ में जो आपका लेप्टिन हार्मोन है वो भी नीचे आ जाएगा। तो लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि वी आर फुल, द स्टमक इज फुल, स्टॉप ईटिंग। ये हार्मोन को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर सिंपल वर्ड में इस चीज़ को बताऊं तो कम नींद की वजह से आपका भूख भी बढ़ जाएगा और साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब मेरा स्टमक फुल हो गया है, अब मुझे नहीं खाना है, जो कि डायरेक्टली आपको ओबीस्ट बनाते जाएगा। और अगर आपको एक अच्छा नींद मिलता है तो वहाँ पे सिर्फ आपका बॉडी वेट ही ड्रॉप नहीं होगा, आपका प्रॉपर वेट ड्रॉप होगा, यानी कि आपका फैट ड्रॉप होगा वहाँ पे गाइज। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि कितना स्लीप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। गाइज हो सकता है कि कुछ लोगों को 6 घंटे सोने के बाद नींद कंप्लीट लगता हो, तो कुछ लोगों को 8 घंटे सोने के बाद भी नींद कंप्लीट ना लगता हो। गाइज सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके पूरे दिन का वर्क और स्ट्रेस लेवल क्या है। अगर आपका जॉब ऐसा है कि जहाँ पे आपको पूरे दिन भाग दौड़ करना पड़ता है, यानी कि आपके बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा है, तो वहाँ पे आपको शायद 8 घंटे का नींद भी कम पड़े। अगर आपको फिजिकल स्ट्रेस से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो वहाँ पे भी आपको ज्यादा नींद का जरूरत पड़ेगा। और जिन लोगों का एक्टिविटी लेवल कम है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है, तो उन लोगों को 6 घंटे में भी एक कंप्लीट नींद मिल जाएगा। सो डोंट मेस विथ योर स्लीप फॉर योर ओवरऑल एस्थेटिक गेन्स। सो गाइस ये था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे आपके फैट लॉस और मसल गेन पे अगर आपको एक प्रॉपर और कंप्लीट स्लीप नहीं मिलता है तो। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आप कितने घंटे सोते हो दिन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट।